एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक मिसेज राजदुलारी जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच रेणू अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अजय गोयल, मनीषा गोयल, पीला गोयल, सुनील गोयल, संदीप गोयल, संगीता गोयल, डॉक्टर कौरिका अग्रवाल, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर कनिका अग्रवाल, डॉक्टर अनिरुद्ध, अभिनव अग्रवाल, मिसिस निकिता चौधरी, अंश श्रीवास्तव, दिव्य चौधरी, हर्ष गोयल, आशिमा चौधरी, नलिन चौधरी, कृतिका, अर्जुन गुप्ता, आद्य अग्रवाल अते उना दे समूह परिवार वल्लों पंजाब फार्म्स पटियाला रोड नापा विखे करवाया गया, जिस विच दिव्य ज्योति जागृति संस्थान तो पहुंचिया हुई साधवियां द्वारा अपने कथा अते कीर्तन द्वारा संगता नु परमात्मा दे चरणा नाल जोड़िया। श्रीमती राजदुलारी जी दा जन्म पिता लाला राम किशोर जैन जी दे घर माता श्रीमती सीता देवी जैन जी दी कुखों मलेरकोटला विखे लगभग 64 वरे पहला हुआ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी दा विआह 14 मई 1958 नूं श्री नरेंद्र प्रकाश चौधरी हुणा नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां रेणू अग्रवाल, अजय गोयल, पीला गोयल अते संदीप गोयल ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दीआं बेटियां आपो अपने सहुरे घरे सुखी व्योहता जीवन बतीत कर रहियां हन अते आप जी दे दोनों बेटे अजय गोयल जी अते संदीप गोयल जी उगे बिजनेसमैन हन अते अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हन। श्रीमती राजदुलारी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदा दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्रीमती राजदुलारी जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच मिसिस राजदुलारी जी दी फुलवाड़ी अर्जुन अते आध्या नाल महक रही है। निदान है आता हो अज्ञान।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, जिस धरा पर हम जीवन को जीते हैं वास्तव में इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। हम मृत्यु लोक पर इस जीवन का यापन करते हैं, लेकिन वास्तव में हम देखें एक ऐसा धागा जिसका एक छोर जीवन होता है और दूसरा छोर मृत्यु होती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, वो कहते हैं कि ये जीवन एक खूबसूरत असत्य है और मृत्यु एक दर्दनाक सत्य। एक ही धागे के दो छोर। वेद भगवान मृत्यु रीछे कहकर इसको संबोधित करते हैं। वेदों में कहा गया है कि जिसको भी जीवन प्राप्त हुआ है उसके साथ ही मृत्यु निर्धारित कर दी जाती है। जो भी जीवात्मा यहाँ पर जन्म लेती है, जन्म से पूर्व ही उसका अंतकाल कब आएगा, किस स्थान पर होगा, ये सब निश्चित कर लिया जाता है। बहुत से महानुभव ये कहते हैं कि मृत्यु निश्चित नहीं है, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम् जन्ममरणस्य च। एक जीवन का ऐसा सत्य है जो हमेशा निश्चित कर दिया जाता है भगवान के, ईश्वर के द्वारा, और वो जो निश्चित है वो मृत्यु है। लेकिन इस जीव को, इस जीवात्मा को इस संसार में इस बात का भान नहीं होता। इस संसार की माया, इसके द्वंद में उलझकर जीवात्मा उस मृत्यु को समझ नहीं पाती। इसलिए जीव ये कह देता है कि मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि निश्चित नहीं है। वास्तव में मृत्यु ही निश्चित है। इसलिए हम जिस जिंदगी को, जिस जीवन को जीते हैं, किसी ने खूब कहा है कि ये जिंदगी क्या है। वो कहते हैं कि आगाह अपनी मौत का कुछ बशर नहीं, समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम सबका जीवन ऐसे ही है। बहुत सारी आशाएं लेकर हम इस जीवन में जीते हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं उस सत्य का जो घटना घटने वाली है, इसलिए वो हमारे लिए अशुभकर हो जाती है, क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं होता। सज्जनों, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित की मृत्यु का मात्र एक दिवस शेष रह गया। सारी भागवत की संपूर्ण कथा को सुनने के पश्चात सुखदेव मुनि देखते हैं कि राजा परीक्षित उसके मन से जिस मृत्यु के भय को निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, समस्त भागवत का गान कर दिया, लेकिन अभी भी उसके मन से मृत्यु का भय निकला नहीं है। तो ऐसा सोचकर वो चिंतित हो गए। और ऐसे में सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को एक कहानी सुनाते हैं। कहने लगे, परीक्षित, अब तुम्हारा एक दिवस शेष है, लेकिन उससे पूर्व तुम आज मेरे से इस कथा के अंतिम दौर में एक कहानी सुनो। वो कहते हैं, कोई बहेलिया था, उस बहेलिए ने किसी कारण से एक कुटिया बना ली। जब वो बहेलिया कुटिया में रहता था तो सब कर्म जो भी थे दिनचर्या के, वो उस कुटिया में ही किया करता था, उसी में हमेशा निवास करता। उस दुर्गंध भरी कुटिया से उसे लगाव था और बहुत सारे लोग, बहुत से यात्री जब उस कुटीर के आगे से निकला करते थे तो उस कुटीर में जब रात्रि हो जाती तो ठहरने की चेष्टा करते, उस बहेलिए से पूछा करते। जो जो भी व्यक्ति रात्रि काल में किसी कारणवश उस कुटिया के समीप रुकता, वो बहेलिया उन्हें रोकता। विश्राम करने के उपरांत रात्रि में जब सुबह होती, प्रातः काल होता, तो वो कहता कि जाइए, आपका निज स्थान क्या है, आपका घर कौन सा है, आप जाइए। जो जो भी व्यक्ति रात्रि काल में ठहरता था, परीक्षित, वो सुबह जाना नहीं चाहता था। एक दिन वहां का एक राजा
जब उसको रात्रि काल में वहां ठहरने का अवसर मिला, उस बहेलिए ने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, क्योंकि रात्रि में यहाँ लोग आते हैं, लेकिन जब प्रातः काल होता है तो यहाँ से जाने का उनका मन नहीं होता, इसलिए राजन मैं आपको नहीं ठहराऊंगा। उस राजन ने ये वचन दिया कि जैसे ही प्रातः काल होगी, ये मेरा वचन है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं लौट जाऊंगा। जैसे ही राजा ने ये कहा, बहेलिए ने रात को वहां राजा को विश्राम करने का मौका दिया, लेकिन जब भी सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, राजा ने भी वही किया जो बाकी जन किया करते थे। बहेलिए ने कहा, जाइए राजन, आपकी नगरी आपका इंतजार कर रही है। राजा ने कहा कि नहीं, मेरा यही मन ठहरने का है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने बहुत बार समझाने का प्रयास किया, इतनी दुर्गंध में आप कहाँ निवास करेंगे, जाइए, आपका निवास स्थान आपको पुकार रहा है। राजा ने इनकार कर दिया। अभी ये कथा सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को सुना ही रहे हैं, इस कथा को कि राजा परीक्षित बीच में बोल पड़े, कहने लगे, महाराज वो कैसा राजा था जिसको उस दुर्गंध युक्त कुटीर से, उस बहेलिए की उस स्थान से प्रेम हो गया, लगाव हो गया, लेकिन उसे अपने घर का पता नहीं था। इतना सुंदर महल होगा उसका, असंख्य दास दासियां होंगी उसके, असंख्य ऐश्वर्य भोग होंगे उसके पास, फिर उस राजा ने ऐसा क्यों किया, कौन था वो राजा? जैसे ही सुखदेव मुनि जी ने सुना, कहने लगे, राजन वो कोई और नहीं है, वो राजा तुम ही हो। कल तुम्हारा अंतिम दिवस है, इस जीवन लीला को समाप्त करने का मात्र एक दिन रह गया है। ईश्वर का संदेश तुम्हें पता है कि कल तुम्हें जाना है। इतना सब निश्चित होने के बाद भी जिस कुटीर में तुम्हारा मन लग गया है, जिस दुर्गंध पूर्ण कुटीर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा अपना शरीर है। तुम्हारा भी घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वास्तव में ये तुम्हारा घर नहीं है, जिस जीवन को तुम जीवन समझ रहे हो, वास्तव में ये तो शरीर की जिंदगी है, ये तो इस तन का निवास स्थान है, तुम्हारा निवास स्थान नहीं है। तुम्हें शरीर दिया गया था ईश्वर द्वारा, लेकिन तुम शरीर नहीं हो राजन। सज्जनों, ये सच है, हम सब इस संसार की माया में, देखो कितना चक्र है ये सृष्टि का घूमता, और हर चक्र को हम स्वीकार करते हैं, ऋतु चक्र बदल जाते हैं, हम बाखूबी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु गई, अब शीत ऋतु आएगी, अब वर्षा ऋतु आएगी, हम सारी ऋतुओं के साथ उनके परिवर्तन में देखते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा एक चक्र है जीवन का, जो प्रारंभ तो शहनाई से होता है, प्रसन्नता से होता है, लेकिन उसका अंत हमारे लिए बड़ा दुखदायी होता है। ये भी ऋतु चक्र की तरह ही है जो हम जीवन जीते हैं। सज्जनों, कहते हैं न्यू इंग्लैंड में जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो वहाँ जो कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, वहाँ एक बहुत ऊंचा पत्थर, एक शिलाखंड रखा हुआ है। वो हर शिला के ऊपर एक खोपड़ी का आकार बना देते हैं, एक चित्र बना देते हैं, एक ऐसा चित्र जिसके दोनों ओर पंख लगे होते हैं। और वेस्ट के फिलोसोफर ये कहते हैं कि ये जो चिता है, ये खरी चेतावनी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि ये जो जीवन है, ये क्षयशील है, ये उड़नशील है, इसको पंख लगे हैं, ये आपको कुछ समय के लिए मिला है, इसलिए जीवन की सत्यता के रूप में आप इस कब्रिस्तान में देखो इन शिलाओं पर खींची हुई इन रेखाओं को। ये 100% सत्य है कि हमारा जीवन क्षयशील है, नष्ट होता है, लेकिन केवल हमारा शरीर नष्ट होता है। शास्त्र कहते तुम नष्ट नहीं होते, तुम्हारा अंत नहीं होता, मात्र तुम्हारे शरीर का अंत होता है। इसलिए सज्जनों, जब शरीर का अंत होता है तो हम लोग उसको मृत्यु कहते हैं, और जब जीवात्मा को ये मनुष्य का तन ईश्वर प्रदान करते हैं, जिसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा गया, सृष्टि का सिरताज, सृष्टि का सिरमौर बनाकर भेजा गया, वो कहते हैं कि वो दिया गया था जीवात्मा को जन्म, और जब जाएंगे तो इस पंच भौतिक शरीर को, जिसकी फंक्शनिंग प्राणों से हुई है, ये यही छोड़कर ही जाना पड़ेगा।
ये मेरे आपके हम सब प्राणियों के जीवन का सत्य है और एक कटु सत्य है। लेकिन संत कबीर जी अपनी वाणी में तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में, जब हंसा हम रोए, ऐसे करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जब ये निश्चित है कि जीवात्मा ने इस मनुष्य तन का त्याग करना ही है, तो वो कहते इस जीवन को हम सब ऐसे जिए, जब हम आए थे तो हम रो रहे थे। उस रुदन की ध्वनि को सुनकर समस्त समाज प्रसन्नता से खिल उठा था। लेकिन हम ऐसी करनी कर चले कि जब हम यहाँ से जाएं, तो जैसे रुदन करते आए थे वैसे रुदन करते जाए ना। जब जाएं तो हम मुस्कुराएं और ये समस्त समाज हमें याद करके, हमारी बात करके, हमसे कुछ सीख कर हमारे लिए आंसू बहाए, ऐसी करनी करनी होती है एक जीवात्मा को इस धरा पर आकर। यही इस मानव का कर्तव्य है। इसलिए ये जो चक्रणशील संसार बना है, संसार का अर्थ ही यही है, संसृति इति संसारा, जो हर पल सिरक रहा है, सरक रहा है, हमारे हाथ से छूट रहा है। जैसे हमारे जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं, सबसे छोटी अवस्था शैशव अवस्था, जो माँ के अंक में हमारी बीत जाती है। फिर है बाल्य अवस्था, जो अंगुली थामकर चलने में, भागने दौड़ने में बीत जाती है। फिर है युवा अवस्था, संसार के आनंद को उठाते हैं हम, संसार के भोगों को जीते हैं हम। फिर प्रौढ़ अवस्था, जिम्मेदारियों का भाग उठाते हैं हम। उसके बाद वृद्धा अवस्था। वो कहते ये सब बदलने वाला है, इसलिए इस जीवन के रहते रहते ये अवस्थाएं बदलते बदलते साथ साथ एक और काम करते चले। संत कबीर जी की बहुत सुंदर वाणी है। वो अपनी वाणी में बहुत सुंदर संकेत देते हुए कहते हैं कि जीवन के रहते रहते क्या करना है हमें। आइए संत कबीर जी की इस दिव्य वाणी को श्रवण करते हैं। Thank you.
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, सच में इन श्वासों को अगर ईश्वर की चिंतन में लगाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन सफल होगा। आपको पता होगा, समस्त पक्षी तो नहीं लेकिन कुछ प्रजातियां बर्ड्स की कुछ कुछ गाती है, जैसे कोयल, जैसे कुछ पक्षी हैं जिनको आप जो कुछ सिखा देंगे वो गाएंगे, उनको परिंदे कहा जाता है। वो गान गाते हैं और गाते गाते उड़ जाते हैं, कभी एक डाल पर बैठते हैं, कभी दूसरी डाल पर, कभी इस पेड़ पर, कभी दूसरे पर, वृक्ष बदलते रहते हैं। वो गाते गाते ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो जो ध्वनि है, हमें लगता है पक्षी गाता है, लेकिन पक्षी जो उसकी श्वास नली है, उसका जो ऊपरी भाग है, उसे कहते हैं सिरिंज। उसके साथ जब वायु टकराती है, हवा टकराती है, जब वो श्वास लेते हैं तो उसमें से वो ध्वनि निकलती है। सजनों, उनका गान इसलिए सुनाई दे रहा है वो सुंदर, क्योंकि उसकी श्वास और उसके साथ जो बाहर से वो श्वास लेते हैं, जो हवा भीतर जा रही है, वो टकराने से ध्वनि पैदा हो रही है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी श्वासें चल रही हैं, जब तक वो शक्ति चला रही है तब तक हम जीवन गान गा रहे हैं, तब तक हमारी जिंदगी चलायमान है। जिस दिन वो वेग रुक जाता है, उस दिन हमारी श्वासें रुक जाती हैं। जिस दिन ईश्वर उस वेग को रोक लेता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं श्वास तो ऑक्सीजन है, हम लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारा अपना या कोई भी सदस्य किसी का भी इस संसार का त्याग करता है, ऑक्सीजन देने पर भी, डॉक्टर की ऑक्सीजन लगा देने पर भी, वो श्वास वापस नहीं लौटती। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। सजनों, इसलिए ये जिंदगी जो है इस श्वास का खेल है। इसलिए हमारे संत कबीर जी कहते हैं कि श्वास ईश्वर प्रदत्त एक अनमोल वस्तु है, इसलिए इसका सदुपयोग करो, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। शास्त्र कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरम। ये जो जीवन है ये बहुमूल्य भी है और क्षण भंगुर भी है। जितनी कठिनाई से समस्त योनियों में से निकलकर एक जीवात्मा इस मनुष्य के तन को ग्रहण करती है, उतनी ही आसानी से ये गुदगुदा फूट भी जाता है, इसका भरोसा भी नहीं किया जा सकता। किसी से पूछो जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, कोई कहता है लाइफ इज जर्नी, ये एक जर्नी है, हम बस घूमने फिरने आए हैं। कोई कहता है कि लाइफ इज रेस, लेकिन हम कितनी भी लंबी रेस जिएंगे ये हम कह नहीं सकते, छोटी रेस है या बड़ी रेस है, जर्नी छोटी है या बड़ी है, ये हमें पता नहीं है। इसलिए जितनी है उस जिंदगी में, इस जिंदगी की सत्यता को हमें समझना होगा और जानना होगा। इसलिए हमारे संत हमें समझाते हैं कि जीवन बहुत दुर्लभ है, और वो क्या कहते हैं, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। बड़ा दुर्लभ है
अवसर है। महापुरुषों ने इसे एक अवसर कहा है, जिस अवसर में हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि आपको जो जन्म से मृत्यु तक का जो अवसर मिला है, वो समय बहुत कीमती है। इस जिंदगी के सारे समय को, टाइम को किसी दार्शनिक ने सोचा समझा और कहा, टाइम इज मनी, ये सबसे बड़ा धन है हमारे पास, समय का धन। समय की कीमत देखिए, एक बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाता है, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने तक अगर 5 मिनट लेट हो गया, वो भीतर दाखिल नहीं हो सकता, भीतर प्रवेश नहीं दे सकता। एग्जाम छूटने का जो 1 वर्ष का पीड़ा है, दुख है, उस बच्चे से पूछिए क्या है, वो 5 मिनट उसके लिए 1 साल के लिए घातक बन गया है। कोई व्यक्ति ट्रेन का सफर करता है, एरोप्लेन का सफर करता है, कुछ मिनट्स लेट हो जाता है, कुछ सेकंड्स लेट हो जाता है, तो उससे पूछिए कि उस 1 सेकंड की कीमत क्या है। सज्जनों, हमारा तो पूरा जीवन, पूरी लाइफ, इसमें कितनी घड़ियां हमने कहां स्पेंड की है, उसका कहां प्रयोग किया है, वो समय बहुत कीमती होता है। इसलिए इस मानव जन्म के इस सफर को गोल्डन चांस कहा गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा गया है। आप जानते होंगे, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका मतलब होता है अवसर लागत मूल्य। जिस अवसर को हमें कभी जीवन में ईश्वर ने प्रदान किया हो, हम उस समय में उस काम को ना कर पाए हो, उस अवसर को खो देने के मूल्य को कहते हैं अवसर लागत मूल्य। महापुरुष कहते हैं, इस जीवन को पाकर भी हमें इसमें पुण्य संस्कार एकत्रित करने हैं, अपनी आत्मा से जुड़ना है, ईश्वर की भक्ति में मन लगाना है, तभी ये जीवन का ये जो पूरा समय है, तब सार्थक हो पाता है। सज्जनों, इसलिए हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं जो है, अभी वो संसार की है, फिर ये सारी क्रियाएं संपूर्ण इंद्रियों के साथ संसार के कार्य करते हुए भी हम अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, सार्थक कर लेते हैं। इसलिए ऐसा हमें यत्न करना होगा, ऐसी हमें कोशिश करनी होगी। आगे क्या कहती है भजन की पंक्तियां, आइए शुरू करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। नाभा का
एक जाना माना परिवार जो कि इंडस्ट्रियल फील्ड में शुरुआती दिनों में इसे लगातार नाभा की तरक्की के लिए काम कर रहा है। हमारे बाबूजी के जल्दी जाने के बाद भी माताजी की प्रेरणा से बच्चे उनके अजय जी संदीप जी लगातार समाज से जुड़े हुए हैं। आज जो आप लोग हमारे बीच पधारे हैं, आपके आने से ये पता चलता है कि परिवार का प्यार समाज में किस तरह से है। मेरे पास बहुत से शोक संदेश आए हैं, जिनमें से विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी नाभा, हर्ष ब्लड डोनर सोसाइटी नाभा, श्री उषा माता पब्लिक स्कूल नाभा प्रमोद जी उपस्थित हैं, जीबी इंटरनेशनल स्कूल नाभा, गौशाला नाभा अमन जी उपस्थित हैं, हिंद इलेक्ट्रिकल सोसाइटी नाभा, द हिंदू गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल से भी शोक संदेश आया, और शिवराम लीला क्लब की तरफ से, रोटरी क्लब नाभा ग्रेटर की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा की तरफ से, श्री शनिदेव मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से, कैनरा बैंक की तरफ से मेरे पास शोक संदेश आए हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारी बच्ची है गोरिका। गोरिका अपने दादी जी को, नानी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रही है। आज आपको मैं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अलविदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस मुस्कान को देखकर कितनी खुश होंगी। अपने परिवार की खुशी और अपने बच्चों के चेहरे की हंसी आपके लिए सबसे सर्वोपरि है। आपने अपना पूरा जीवन हम सब पर निछावर कर दिया और आज हमें सबको सशक्त, निर्भय और इंडिपेंडेंट वुमेन एंड बनाया है। थैंक यू नानी माँ फॉर बीइंग अ गाइडिंग लाइट। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी नातिन होने के कारण मुझे आपका प्रेम सबसे अधिक मिला। वो बचपन के दिन और आपके साथ बिताई वे सुनहरे पल मैं अपने जीवन की अमूल्य याद मानती हूँ और इन यादों को आजीवन अपने साथ संजो कर रखूंगी। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनी दृढ़ता, संकल्प एवं निष्ठा, जिन चीज़ों को आपने हमें सिखाया और हमें डाला, उन्हीं से अब हम सभी को प्रेरित करती रहें। ओम शांति। कनिका भी अपनी नानी माँ की याद में कुछ चंद शब्द बोलना चाहती है। वो यहाँ हमारे साथ उपस्थित नहीं है, बट एक ऑडियो क्लिप के जरिए वो अपने भाव प्रकट करेगी। थैंक यू। मेरी प्यारी नानी माँ, आपके बारे में सोचती हूँ तो आपकी प्यारी सी क्यूट सी मुस्कुराहट सामने आ जाती है। वो मुस्कुराहट जो हर हाल में हमें देखकर आपके सुंदर से चेहरे पर आ जाती थी। आपकी वो मुस्कुराहट आपकी सबसे प्यारी याद है मेरे दिल में। आपका मन भी फूलों की तरह कोमल और चंचल था। आप हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढते थे। सुंदरता की आपको खूब परख थी और शौक था। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हों, आपके आसपास सुंदरता ही सुंदरता हो। कल की बात लगती है, छुट्टियों में जब हम नाभा आते थे, आपका हमेशा हमें गले लगाकर स्वागत करना। छोटी छोटी चीज़ें जैसे जगत से हमेशा हमारा फेवरेट पान मंगाना, हमें लाड प्यार करना, हमारी किसी बात को ना ना बोलना, हमें राजकुमारियों की तरह ट्रीट करना,
मेरी बातों पर लोटपोट होकर हंसना, यादों के खजाने में ऐसे अनगिनत पल हैं। आपकी ममता, प्यार, अपार हिम्मत, दृढ़ता और लगन, जिससे आपने अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना किया, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपकी फाइटिंग स्पिरिट को मेरा शत शत प्रणाम है नानी माँ। दिल के भाव शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, बस यही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत लकी हैं जो भगवान ने हमें दुनिया की सबसे प्यारी नानी दी। थैंक यू नानी माँ हमारे जीवन में होने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे और आपकी यादों के फूल हमेशा हमारे जीवन को महकाते रहें। ओम शांति। बड़ी माँ के लिए स्पीच लिखी थी मैंने, पर पता नहीं कंप्लीट नहीं लगी। बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं। बस यही विषय है कि बड़ी माँ जहाँ पे भी है बहुत सुंदर जगह है, बहुत खुश है और कोई भी पेन नहीं है, चल रही है, भाग रही है, उड़ रही है। ओम शांति। क्योंकि ईश्वर के बाद अगर कोई आपके जीवन को संवारता है तो वो माँ है, और जब वो माँ चली जाती है वो प्रेम करने वाली, प्रेरणा देने वाली, आपको आगे बढ़ाने वाली, जो आपको हमेशा अपने हृदय से लगा के रखती है, ऐसी माँ के जाने के बाद बच्चों की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। मेरे पास और भी शुभ संदेश आए हैं, हीरा एनक्लेव सोसाइटी की तरफ से शुभ संदेश आया है। श्रोमणी अकाली दल बादल से अशोक बंसल जी हमारे बीच हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्री विनोद कालड़ा जी वो भी हमारे बीच पधारे हैं, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। समय थोड़ा है, काम जरूरी है, इसलिए मैं सबसे माफ़ी मांगते हुए सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री बी एस आनंद जी से, जो कि जनरल मैनेजर हैं हमारी कंपनी के, क्यों मंच पर आए, कुछ शब्द सुमन भेंट करें। श्री बी एस आनंद, ये श्रद्धांजलि देते हुए हमें इतना बातों में घोर कर दिया है कि हम कह रहे कि किसी भी स्थिति में नहीं है। वही श्रद्धा सुमन, ये श्रद्धा सुमन जिस भावना से उन्होंने अपने दिवंगत दादी जी नानी जी को अर्पित किए हैं, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उनकी दरगाह में जाके लगेगी, ये मेरी सच्ची भावना है। मैं दिवंगत आत्मा को श्रीमती राज दुलारी जी, जो हमारे अजय जी संदीप जी के माता जी हैं, उनके जाने के दुख में उनके परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं अपने सारे फैक्ट्री के समूह सदस्यों की तरफ से, अपनी तरफ से सारे गोयल परिवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सच्ची भावना से प्रार्थना करता हूँ श्री परमात्मा जी को। हम सच्चे भाव से, सच्ची भावना से अगर प्रार्थना करेंगे वो परमात्मा हमारी जरूर सुनेगा। उनके आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में निवास दे, परिवार में खुशियाँ हों, इस दुख को, इस छोड़े को सहन करने की शक्ति दे। मैं इस परिवार से कुछ 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इस परिवार को बहुत छोटे, मैंने देखा श्री नरेंद्र प्रकाश जी, जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय नरेंद्र प्रकाश जी, उन्होंने बहुत छोटा सा एक पौधा लगाया था, बहुत छोटा सा पौधा लगाया था। उस पौधे को सींचने के लिए दोनों बेटों को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, अच्छी उनको
शुद्धि कि इस पौधे को कैसे पानी देना है, कैसे सींचना है, कैसे इसको पालना है। उनके जाने के बाद उनके पुत्रों ने बहुत खूबी से इस पौधे को इतना बढ़ाया कि ये पौधा आज एक वट वृक्ष बन गया है जो हजारों लोगों को ये अपनी छत्र छाया दे रहा है। ये सब श्री नरेंद्र भाई जी के आशीर्वाद, माता जी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। इनकी श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति वो मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इस परिवार से ये भी मुझे अपने परिवार का मेंबर ही मानते हैं। मैं भी अपने आप को कभी भी इस परिवार से अलग नहीं रहना। मैंने माता जी के दर्शन करने के भी मौके मिले हैं, जब भी मैं मिला हूँ तभी इन्होंने बच्चों में इन चरणों को छुआ है। इन्होंने हमेशा कहा है ये मेरे परिवार का मेंबर आ गया है। इससे बड़ी इज्जत कौन इंसान दे सकता है किसी। ये इतनी महान शक्ति थे जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत समय ना लेते हुए अपने दिल से मेरे श्रद्धा सुमन मैं देने की समर्था में नहीं हूँ। आप सोचते हो मेरी जुबान कैसे लटका रही है, इसीलिए कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी बड़ियाई करने के लिए। वो इतने सच्चे भगत थे, दुखी परिवारों को, अपाहिजों को इतनी सेवा करते थे, उनको भोजन देना, उनको दान देना, उनको फल फ्रूट देने, उनकी सेवा करनी, वो उनका धर्म समझे थे। ये उनकी सच्ची भावना थी, तभी आज ये इतना समूह उनकी श्रद्धा के लिए एकत्रित हुआ है। ये उनकी पर्सनैलिटी है, उनका ऑरा है जो हमें अब भी महसूस हो रहा है कि वो हमारे दरमियान है, हमारे बीच में ही है, वो हमारे से दूर गिर गए हैं। वो हमेशा हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे और ये कंपनी हमेशा, ये परिवार, ये कंपनी हमेशा दिन रात चौगुनी तरक्की करती रहेगी। मैं सब आपको, सब परिवार को, सब मेम्बरों को कंपनी की तरफ से, अपनी तरफ से यहाँ शोक सभा करने का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे संती श्री आशुतोष जी जो कि कानपुर से हमारे बीच पधारे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जल, वायु, अग्नि, इन सभी पंच तत्व से ये शरीर बना रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शरीर को अंत में वापस पंच तत्व में ही विलीन हो जाना होता है। स्वर्गीय श्रीमती राजदुलारी जी आज हमारे मध्य नहीं हैं, वो पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं। उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सज्जन और देवियों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी यहीं पे इस सभा में आप लोगों ने मंच से कुछ भजन और बहुत अच्छी बातें सुनी थी, उसी बातों में और हमारे कंपनी के जो जनरल मैनेजर साहब ने कुछ संस्मरण सुनाए उसमें उन दोनों को मिक्स करके मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसा जनरल मैनेजर साहब ने कहा कि स्वर्गीय श्री नरेंद्र प्रकाश जी ने एक छोटा सा पौधा रोपा था जिसे उनके सुपुत्रों ने आज वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जो हजारों लोगों को अपनी छांव दे रहा है और समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहा है। मंच पे आसीन एक बहन ने कहा था कि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना होने दिया जाए। और उसी दौरान एक ये भी बात कही थी कि राजा जनक को एक बार सपना आया था कि वो गरीब हो गए हैं, तो उस समय तो ये बात थी कि स्वप्न की बात है, वो सच्ची नहीं होती है। इसलिए उनके मंत्रियों और उन्होंने उन्हें कहा कि राजा इस पर ध्यान ना दे, ये स्वप्न की बात है। लेकिन उस स्वप्न की बात को मैं यहाँ रिलेट करता हूँ। स्वर्गीय श्रीमती राजदुलारी जी ने उस स्वप्न की जगह पे उसको वास्तविकता में जिया है। जब वो छोटा सा वटवृक्ष, जब छोटा पौधा था, जैसा जनरल मैनेजर साहब ने कहा, नरेंद्र प्रकाश जी ने अपने प्रयासों से एक व्यवसाय जो शुरू किया था और उनके अंतिम समय पे जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां आई उनके साथ, विजुअली इम्पेयर्ड हुए थोड़े वो, तो व्यवसाय में कुछ डगमगाहट आई और कुछ जो
ऐसे स्थितियों में जो लाभ उठाने वाले लोग होते हैं उन्होंने उस मौके का फायदा भी उठाया और व्यवसाय को कुछ नुकसान हुआ। जब नुकसान के बाद अल्टीमेटली स्वर्गीय नरेंद्र प्रकाश जी नहीं रहे तो अजय गोयल जी और संदीप गोयल जी की माता जी ने पूरी कमान संभाली और उनके संस्कार और जो उनकी मेहनत का फल है उन्होंने अपने दोनों बेटों को इस तरह से मोटिवेट किया कि उन्होंने अपने माँ के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से उस व्यवसाय को आज इतना बढ़ा दिया है कि नरेंद्र प्रकाश एंड कंपनी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी पहचान बन गई है और ये पूरे देश में ही नहीं पूरे देश में इसकी एक पहचान है, केवल नाभा में ही नहीं। ये नाभा वासियों के लिए गर्व की बात है और मैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पूरा श्रेय श्रीमती राजलाड़ी जी को देना चाहूंगा। संस्कार की बात आई तो वो संस्कार जो हमारे माता पिता और हमारी दादी वगैरह हमें देते हैं वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होके अगली जनरेशन में जाता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि श्रीमती राजदुलारी जी ने अपने परिवार के लोगों को कैसे संस्कार दिए। अभी उनकी दो नातिनियों ने अपनी नानी माँ के लिए कुछ शब्द कहे थे जो ये उजागर कर रहे थे कि उनको किस तरह के संस्कार मिले हैं। मैं आज से 1.25 साल पहले मेरी एक बेटी थी, मेरे सुपुत्र की शादी अजय जी की बेटी निकिता से हुई है, अब मेरे ही दो बेटियां हैं। तो दूसरी बेटी की मैं बात बताता हूँ। शादी के कुछ दिन बाद, शायद एक हफ्ता ही हुआ था, वो विदा होकर हमारे घर आई थी और दादी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गई, उन्हें कोविड भी था। तो ऐसी स्थिति हुई कि लगने लगा कि शायद वो नहीं रहेगी, मतलब इतनी ख़राब स्थिति हो गई। तो किसी भी, आप सब लोग यहाँ पे इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि किसी भी लड़की की शादी और लड़के की शादी के बाद वो सपने देखते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे। इन लोगों ने भी बहुत बुकिंग करा रखी थी विदेशों में घूमने की, लेकिन उस लड़की ने अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करी और तुरंत वो नाभा आई। वो अपनी दादी की इतनी दुलारी थी कि उसको देख के वो रिवाइव हो गई और वो स्वस्थ होकर घर वापस आ गई। तो ये अपनी दादी के लिए प्यार और उनके दिए हुए संस्कार का ही प्रतिफल है कि उसने अपनी दादी को उस समय वापस घर लाया। ये उसका दुर्भाग्य, आज की डेट में दुर्भाग्य ही कहूँगा कि आज वो उसके साथ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मृत्यु के बाद ये कहा जाता है कि कुछ दिन तक आत्मा हम लोग के आसपास ही रहती है, तो आज भी बेटा वो आपके आसपास हैं और आपने मन से प्रार्थना करो कि उन्हें शांति मिले। एक चीज बस और कहना चाहूँगा, जब कोई छोटा बच्चा थक जाता है तो उसको सबसे अच्छी नींद अपनी माँ की गोद में आती है। हम लोगों का जन्म इस सृष्टि माँ से हुआ है और आज श्रीमती राजदुलारी जी अपनी माँ की गोद में वापस चिर निद्रा में चली गई हैं, तो हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि वो वहाँ पे शांति से रहें और सभी लोग यहाँ मिलके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। ओम शांति। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पूरा जीवन शांति से जिया और शांति से रहेंगी। रामचरितमानस में भी लिखा है, सोचिए विपर जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लेना। सोचने लायक व्यक्ति वही होता है जिसने अपना धर्म छोड़कर विषयों में लीन हो जाए, पर जो कर्मयोगी होते हैं वो सोचने लायक नहीं होते, उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान देता है। अब मैं निवेदन करूँगा गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नाभा के हल्का इंचार्ज हैं, वो एक मिनट के लिए आए माता जी को श्रद्धा सुमन भेंट करें। गुरप्रीत सिंह जी शाहपुर, आज साढ़े सत्कार जो माता राजदुलारी जी थी,
अंतिम अरदास विच अते श्रद्धा ते सत्कार पेश करना ही सारी मुकद्दस हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। मैं समझदा कि हुण कोई लफ्ज नहीं रह गए, क्योंकि जदों बच्चियां ने इन्ना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी नानी मां नूं दित्ती है, अते मेरे तो बोलन वाले पहला सारे बुलारियां ने माता जी की शख्सियत बारे जिमें दसिया है कि शी इज जस्ट लाइक ए लाइट हाउस। वो एक चानण मुनारा सी, ते अपने चानण दियां रिश्मां नाल उन्होंने इस परिवार को रोशनाया, क्योंकि ईश्वर तो बाद अगर किसी नूं रब दा रूप दिता है वो पूरे ब्रह्मांड दे विच यूनिवर्स दे विच मां नूं दिता है। ते मां बारे पूरन सिंह उन्हां दीआं सत्रां ने कि मां वर्गा कणछावां बूटा मैनूं किधरे नज़र ना आवे, लैके जिस तो छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, कुल दुनिया दे बूटे चढ़ सुके आ मुरझा जांदे पर ऐ पर फुल्लां पाजो ये बूटा जड़ों सुख जाए। सो बहुत बड़े भागे ने अजय जी ते संदीप जी जिन्होंने इस अजिही मुकद्दस कुख विचों जन्म लिया, ते वड्डियां बहुत वड्डे वडभागिया ने मेरिया भैणा जिन्हें अज मान ते सन्मान हासिल कर लिया ने यह जी मां दीआं धीआं होण दे नाते, अते मैं जाती तौर पर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वालों उन्होंने जिते श्रद्धा ते अकीदत भेट करता हाँ उत्थे वाहिगुरू के चरणों च अरदास करता हाँ। जिवे जिवे तेरा हुक्म तिवे तिव होवना, रखे आ तह चहे खड़ोवना, जिस साहिब से नाही चारा जिसको कीजिए सद नमस्कारा। वो काल पुरख परमात्मा परमेश्वर जिस भी रूप च असीं उस नूं मनदे हाँ, वो सच्चे पातशाह माता जी नूं अपने चरणों च निवास बख्शन, परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई रोटेरियन जसपाल जुनेजा जी से कि वो मंच पर आए। परिवार की तरफ से आप सभी आए हुए लोगों का धन्यवाद करें, उसके बाद पंडित जी आरती करेंगे, आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं। जसपाल जुनेजा जी साढ़े पूजनी आंटी जी जो कि अजय संदीप रेनू दीदी ते बेला जी दे मदर नू अपनी श्रद्धा दे फुल अंतिम श्रद्धांजलि देण दे लई इत्थे एकत्र होए। जो इंसान इस धरती ते आया है, जिस दिन उसने जन्म लिया उसका जाना भी निश्चित है। वाणी लिखती है मरण लिखाए मंडल में आए, लेकिन इस दुनिया दे विच विचरदे आ जो जो अपने कर्म कमाउंदा है, जिस तरह का वह जीवन बतीत करता है, तो जिस तरह की अगे वह अपनी फुलवाड़ी को चलाउंदा है, उन्हां चीज़ां नूं उन्हां गल्लां नूं उसकी अंतम अरदास दे विच याद किया जाता है या उसका लेखा जोखा लिया जाता। मेरा इस परिवार के नाल समझो जब तो मैं नर्सरी क्लास असी इकट्ठे हुए हैं, अजे तो मैं क्लास पहलो हाँ, शुरू तो ही आना जाना बनया रहा, तो अज भी गुरु की कृपा है कि उस तरह साडा सारिया का प्यार और सत्कार इस परिवार के नाल बने। बाणी लिखती है कि गुरु तो वड्डा दर्जा भी माता और पिता का है, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, उस तो बाद बाकी संसार के जिहड़े गुरु ने ईश्वर ने वैर पैगंबर ने इन्हां नूं मन्निया जांदा। जिहड़े बच्चे अपने माता पिता की घर दे विच सेवा कर लैण, उन्हां नूं किसी मंदिर या गुरुद्वारे या किते होर जाण दी होर आसरा लैण दी भी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि जिहड़ी माता का आशीर्वाद है वो थानू कई कई अगे तक तार सकता। अज जो आप समाज के बैठ के इकट्ठे होने वैसटर्न कंट्रीज के होया करता सी, क्योंकि उत्थे
प्रथा है कि बच्चा 16 साल का हो गया कि ही इज इंडिपेंडेंट। वो बच्चे का माँ बाप के नाल प्यार वो कड़ी 16 साल तो ही कटती, वो जिथे मर्जी रवे जो मर्जी करे अपने घर च रवे ना रवे, लेकिन साढ़े समाज के अंदर यह प्रथा है कि जब तक माता पिता ने बच्चे नाल रहिंदे ने। लेकिन दुख नाल कहना पै रहा है कि अज सानू भी सीनियर सिटीजन होम्स की लोड़ पैन लगी, क्योंकि अद्धे परिवार ऐसे हो गए जिहड़े घर बैठे माता पिता नू इन्ना मैं कह नहीं सकता दुख देंदे ने या तंग करदे ने कि उन्होंने शिफ्ट होना पै जांदा सीनियर सिटीजन होम्स के अंदर। जदों समाज इकट्ठा होवे इस गल ते सोच विचार होनी चाहीदी है कि माता पिता जिस कारण आपां इत्थे आए जे असीं उन्हां नूं भुल गए तां जिहड़े कोई छोटे मोटे तुहाडे किसी ने कम कराता किसी ने कुछ होर करता उन्हों तां की याद रखांगे जिन्हें सानूं जन्म दिता जिन्होंने सानूं पैदा किया इस मुकाम तक पहुँचाया उन्हां दा ही थैंक्स नहीं कर सकते तां मेरे ख्याल है कि जीण दा कोई हक रह नहीं जांदा। इस परिवार दे विच मैं देखिया आंटी नूं इन्हां ने उन्हां दे एंड दे दिनां तक एक महारानी ऑफ हाउस महारानी ऑफ फैमिली उस तरह इन्होंने पालन पोषण उस तरह उन्होंने रिगार्ड उन्होंने सन्मान रखिया। तो यही सीख परिवारों को लेनी चाहिए है कि माता पिता की सेवा करिए उन्हों का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि माता तो वड्डा सैक्रीफाइस किसी का नहीं राइट फ्रॉम द बर्थ। आप गिली जगह पर पैना बच्चे नूं सुखी जगह पर सवाना उस तो बाद हमेशा आशीर्वाद देनी तो इन्होंने दे साथ साड़िया मनीषा भाभी संगीता भाभी इन्हों का सारा परिवार इन्हों सारे बच्चे इस गल के मैं तो कहना बहुत बहुत बधाई दे पात्र हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। नरेंद्र प्रकाशन कंपनी जी चला रहे हैं नाभे के कोई हज़ारा बंद रुजगार दे रही है। एक लेबरर जो घर जाके अपनी रोटी पानी चला है तो वह परिवार और सारा वो मालकान आशीर्वाद देता है कि इन्हों का काम होर अच्छा हो, क्योंकि आप रुजगार दे रहे हैं रुजगार की जिते अच्छ लौड़ है तो यह बहुत अच्छा शहर के लिए भी ये काम कर रहे हैं। जो तीस सारे इस दुख की घड़ी के इन्हों दुख मनाने लिए आ जाओ, दुख मनाया कटता है तो खुशी मनाया बदली होंगी है। तुम जिन्हें कदम इतने चल के आए हो चौधरी साहब के परिवार के नतमस्तक हो के उन्होंने सिर मत्थे देने थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है इस दुख की घड़ी च इन्हें साथ देने का। तो हूँ अगले प्रोग्राम लई आरती होएगी उस तो बाद जिन्होंने चाह का लंगर नहीं लिया या रोटी पानी का लंगर नहीं लिया वो लेके जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। Bye.
जगदीश्वर में
नाना सुगंध पुष्पाणी यदा कालोद्भवानि च दिव्यमंत्र पुष्पांजलिमया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः दिव्यमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।